जो स्टार्ट है चैप्टर, ये स्टार्ट है कहाँ से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज हैं। रिफ्रैक्शन का लॉ तो बिल्कुल ही क्लियर है कि रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये भी सबको मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला सी अपॉन वी सबको मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहानी वेव फ्रंट से स्टार्ट है, वेव फ्रंट में ये बताया गया है कि आपके पास अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट की शेप आएगी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। फिर इसमें यह बताया हुआ है कि अगर सिंगल स्लिट है, थिन स्लिट है, थिन स्लिट से जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप क्या बनेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। फिर उसके बाद अगर बहुत दूर से वेव फ्रंट आ रहा है, लाइट बहुत दूर से आ रही है, तो लाइट का कुछ पार्ट अगर देखा जाए तो वो प्लेन की तरह नजर आएगा, वो प्लेन वेव फ्रंट है। हम अपने एक्सपेरिमेंट प्लेन वेव फ्रंट के साथ करते हैं, स्लिट और पॉइंट के साथ नहीं करते। फिर इसके अंदर हाइगन्स प्रिंसिपल है, हाइगन प्रिंसिपल को लिखना आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैं देख के आया हूँ प्रीवियस ईयर में, वो ना ऑब्जेक्टिव की फॉर्मेट में ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल फिर भी लिखना आ सकता है। दो प्रिंसिपल आपने लिखने हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो कोई भी एक मान लो पॉइंट सोर्स है, वो अपने अंदर से वेवलेट निकालेगा, वेव्स निकालेगा, जैसे पानी के अंदर वो रिपल्स निकलते हैं, वो वेवलेट्स होते हैं। तो ऐसी कोई भी, अगर आप प्राइमरी वेव फ्रंट लें, कोई भी पहला वेव फ्रंट लें प्राइमरी, उसके ऊपर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, वो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या निकालेंगे, वो एन नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या निकालेंगे, वेवलेट्स निकालेंगे। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें इस वेवलेट के ऊपर, तो नया वेव फ्रंट को देखा जा सकता है। टेंजेंट हमेशा आगे की तरफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि लाइट हमेशा आगे की तरफ मूव करती है, तो आप उसको आगे की तरफ प्लॉट करते जाएंगे टेंजेंट। तो ये बेसिकली वेव फ्रंट ड्रॉ करने का तरीका है। क्वेश्चन ये आया हुआ है सीबीएसई में और ऑब्जेक्टिव में, अगर आप देखें कि जब सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, जो वेवलेट्स पैदा होते हैं वो आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं, तो जो बहुत सारे वेवलेट जनरेट होते हैं वो वेव फ्रंट पैदा करते हैं आगे की तरफ, लेकिन वेवलेट्स जो होती हैं वो आगे भी होती हैं और पीछे भी होती हैं। जैसे ये रहा, ये आगे भी है और पीछे भी है। तो उसमें आया हुआ है कि क्या ये वेवलेट सिर्फ आगे की तरफ पैदा होती हैं? नहीं, आगे भी और पीछे भी पैदा होती हैं, एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर होता है इन ऑल डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड का मतलब जो वेव यहाँ जनरेट हुई वही वेवलेट यहाँ भी जनरेट होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी। टेढ़ा मेढ़ा जनरेट नहीं हो सकता। एम्पलीट्यूड इनका वेवलेट का क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें, तो ये आपने याद करना है, ऐसे लिखना है कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी जो वेव फ्रंट है, एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। उसने कहा वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद इक्वल एम्पलीट्यूड, याद रखना, विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपको क्या देगा, आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। तो ये इसका रूल है। दो डेरिवेशन है इसके बेस पे, एक रिफ्लेक्शन प्रूव करना, एक रिफ्रैक्शन प्रूव करना। बहुत बार पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर भी और लास्ट ईयर भी आया हुआ है, कि आप हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करें रिफ्लेक्शन और हाइगन के प्रिंसिपल से प्रूव करें रिफ्रैक्शन। ये आपको प्लीज करके जाना है, हाइगन प्रिंसिपल और उसके दो टॉपिक करके ही जाने हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा। ये वेव फ्रंट है, फिर ये मान लो लाइट आ रही है, ये वेव फ्रंट यहाँ पर इस मिरर को स्ट्राइक करता है, यहाँ से जो लाइट है वही पहले रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, ये थोड़ी लेट जाती है और ये सबसे एंड में जाती है। जब तक ये यहाँ पे आएगी नहीं तब तक नया वेव फ्रंट नहीं जनरेट होगा। तो वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट होगा, तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ वेव लाइट आई उतनी देर में ये लाइट यहाँ से यहाँ जा चुकी होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर वो सी इंटू टी है तो ये डिस्टेंस भी सी इंटू टी है। तो आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे सी इंटू टी की, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी वेवलेट है, वेव फ्रंट है। डायग्राम इन शॉर्ट आपको याद रखना है, ये ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए तो ये बचा हुआ 90 माइनस आए तो ये आए, ऐसे अगर ये आर आर 90 माइनस आर तो आर। तो आपने ये दो ट्राइंगल लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 90 है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है।
तो फिर आपने प्रूव कर देना आई और आर इस एक दूसरे के इक्वल है, रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा। रिफ्रैक्शन भी पेपर में आया हुआ है कि आपका एक वेव फ्रंट आ रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये लाइट बेंड हो गई, इसकी रिफ्रैक्शन पहले होगी, इसकी लेट होगी, इसकी तो सबसे लेट होगी। तो जब इसकी रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगी तो ये तो अंदर जा चुकी होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट C1 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट C2 है, मीडियम चेंज है क्योंकि, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है C1 × T, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है C2 × T। तो ये एक नया वेव फ्रंट है, ये I 90 माइनस I, R 90 माइनस R और R। तो आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन आई की वैल्यू लेनी है, ये C1 × T डिवाइडेड बाई AA', और साइन R की वैल्यू लेनी है C2 × T डिवाइडेड बाई AA'। तो साइन आई की वैल्यू लेनी है, साइन आर की वैल्यू लेनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है, AA' कैंसिल, तो C1 / C2 क्या आ गया म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन आई बाय साइन आर। इनमें से आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्लस वन का सेम है, जब दो या दो से ज्यादा ट्रेवलिंग वेव आपस में सुपर इम्पोज होती है, मिलती हैं, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वेशन के इक्वल फॉलो किया जाता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन आ सकती है कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ टू कोहरेंट वेव्स। तो ये आ सकते हैं आपके पेपर में, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जहां पे लाइट का क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरता है स्क्रीन पे, तो वहां पे बड़ा क्रेस्ट पैदा होता है तो वहां पर ब्राइटनेस है, और जहां पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिरता है तो आपस में कैंसिल करते हैं, वहां पर डार्कनेस है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो किस्म के इंटरफेरेंस है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, YDSC के अंदर आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की। तो रूल नंबर वन, ये मेरे ख्याल से करने की जरूरत है नहीं, बस पता होना चाहिए कि YDSC में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है, तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड बी है, पी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों को सुपर इम्पोज अगर करें, करना नहीं है ये, कुछ नहीं करना, तो ये करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो ये आता है, सीधा लिखें ऑन सुपरपोजिशन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन वी गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a² v² 2ab cos φ, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट। फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इसका स्क्वायर क्या है a² b² 2ab cos φ, ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos φ मैक्सिमम है यानी कि 1 है, cos φ 1 कब होगा जब 0 2π यानी कि 2nπ है। तो कंडीशन याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू दो वेव्स की क्या होती है 2nπ होती है, और पाथ डिफरेंस क्या होता है n λ होता है, ये याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2nπ है और पाथ डिफरेंस n λ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है वो 2n − 1 × π है और पाथ डिफरेंस 2n − 1 × λ/2 है। ये चार चीजें आपने याद रखनी है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा जब कॉस फाई की वैल्यू इसमें 1 होगी, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। आर मैक्स यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a + b है और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऐसी रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा a − b और इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, IMax / IMin की रेशियो निकालने को आती है, a + b / a − b का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला लिख लिया, अगर मान लो इंटेंस और हाँ विड्थ के ऊपर भी आ जाता है, जो स्लिट के विड्थ्स हैं W1 और W2 वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल और इंटेंसिटी फर्दर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से W1 / W2 = I1 / I2 = a² / b² का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के अंदर आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए, ये पेपर में आती हैं। डेरिवेशन तो मैंने नहीं देखी 2 साल से, ऐसे ही कहूँ आपको YDSC की, मुझे पता नहीं, आपको NCERT को चेक करना पड़ेगा सिलेबस, इसलिए डेरिवेशन या ओनली न्यूमेरिकल्स उसमें शायद लिखा हुआ है उसमें, फिर भी मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। इसमें ना ये चीज़ों कम से कम पता ही होनी चाहिए, न्यूमेरिकल तो आना ही है YDSC पे, जिसके अंदर दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को t से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लिट और स्क्रीन के बीच में दूरी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे डिस्टेंसेस सेंटर से लिए जाते हैं। तो अगर एक वेव यहां से एक वेव यहां से आती है P पॉइंट पे, तो कोई भी आर्बिट्री डिस्टेंस यहां से X लिया जाता है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस लूं, मैं पाइथागोरस से ले सकता हूं,
ये राइट एंगल ट्राइंगल लेके ये निकाल लूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल लगा के ये निकाल लूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। सेंटर के ऊपर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो जीरो होता है, क्योंकि ये इससे जो वेव यहाँ पहुंचेगी वो जीरो पाथ डिफरेंस पे होगी, क्योंकि जो रास्ता ऊपर ने ट्रेवल करना है नीचे ने भी सेम ट्रेवल करना है। लेकिन जो पी पॉइंट पर वेव पहुंचेगी, नीचे वाली वेव ने ज्यादा दूरी कवर करनी है ऊपर वाली वेव से, तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स लगा के इनके पाथ डिफरेंस को माइनस करूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस आता है एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, वेयर एक्स इज द पॉइंट जहां पर वो वेव मिल रही थी, और वो सारे जो एक्स के जो पॉइंट्स के डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर किए जाते हैं। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अब अगर ये पाथ डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, एन लैम्डा। तो यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मान लो अगर फर्स्ट ब्राइटनेस, सेकंड ब्राइटनेस, थर्ड ब्राइटनेस निकालनी है, तो इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर से ब्राइट पॉइंट का। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई टी। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से अगर ये पाथ डिफरेंस जो आपने निकाला वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस के इक्वल हो, तो एक्स की ये वैल्यू आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें एक्स की ये वैल्यू है, इन दो फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल 100% सीबीएसई में आने ही हैं। तो ये एक्स का फॉर्मूला है, और वैसे भी कॉम्पिटिशन के अंदर भी इन्हीं के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक्स का ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो पूछेगा कि फिफ्थ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दूरी बताओ सेंटर से क्या होगी, आप एन की जगह 5 पुट कर देना आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दूरी बताओ, इनकी जगह 6 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं दो ब्राइटनेस निकालना चाहता हूं किसकी, डार्क फ्रिंज की, तो मैं दो ब्राइट फ्रिंजेस के डिस्टेंस को अगर माइनस करूं तो डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी, तो लैम्डा डी बाई डी, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहता हूं तो दो डार्क पॉइंट्स की डिस्टेंस को माइनस करके आंसर सेम आएगा, लैम्डा डी बाई डी, इसको बीटा बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, याद रखना है। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं YDSC के। कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आ जाते हैं NCERT में। कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जिसकी दो सोर्सेज की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उसको कोहरेंट सोर्स बोलते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दो वेव्स का, अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का एग्जैक्टली सेम है, बी और ए बराबर है, तो ये फॉर्मूला है। इसके अंदर सॉल्व करके ये फॉर्मूला आएगा, 1 cos φ 2 cos² φ/2, तो ये फॉर्मूला आएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन कई बुक्स में ऐसा गिवन होता है, दो तरीके आए थे उस टाइम। पहला तरीका ये बताया था कि इसके अंदर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कायदे से फॉर्मूला ये है, 4a² (cos²)/2, ऐसे। अब मुझे पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, जैसे दो वेव्स हैं, ठीक है। देखो तो यहां से जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो अगर ये एम्पलीट्यूड ए है तो इसकी जो इंटेंसिटी है, मान लो उसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, तो आई नॉट इसके प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा सिंगल। ऐसी इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और ये ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दोनों की इंटेंसिटी बराबर है। तो आप ए स्क्वायर की जगह आप यहां पे क्या पुट करेंगे, 4 I0 cos²φ/2। मेरे हिसाब से दिखाइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर वो स्पेशली मेंशन करता है। क्या मेंशन करता है बताता हूं, इसको वो क्या लिखता है, इसको वो लिखता है आई मैक्स, बुक आई मैक्स की फॉर्म में रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ऐसे लिखती हैं, और कई बुक्स तो और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। मैंने इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी को आई नॉट लिखा, वो लोग आई मैक्स को ही क्या लिख देते हैं, आई नॉट लिख देते हैं, तो आपका फॉर्मूला ऐसा बना देते हैं।
लेकिन ये उन न्यूमेरिकल्स के लिए जो मेंशन करते हैं कि रिजल्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, तो आप 4 I0 की जगह, यानी कि आई मैक्स की जगह आई नॉट पुट कर लें। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं करता और इंडिविजुअल इंटेंसिटी को आई नॉट लेता है, फिर ये फॉर्मूला सही काम करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो बेस्ट फॉर्मूला ये याद कर लो, और याद कर लो अपने मन में, आई मैक्स का मतलब 4 I है, 4 I0 मत लिखो, आई लिख लो चाहे, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज आई लिख लो। और कई बुक्स में आई मैक्स को आई नॉट लिखा जाता है, बस इतनी सी बात है। तो ये आप कैसे याद करते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है इसमें। एक्चुअल फॉर्मूला 4 I0 से, 4 I से चलता है। तो हटा देता हूं मैं आप इंटेंसिटी को आई नॉट लिखता ही नहीं, इंडिविजुअल इंटेंसिटी को आई लिख लेता हूँ, ये लो अब और क्लियर हो गया। तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई ले लेते हैं और आई मैक्स की जगह आई नॉट ले लेते हैं, एक ही बात है। फिर आई नॉट की कंफ्यूजन दूर हो गई, आई नॉट का मतलब आई मैक्स है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कंडीशन पूछी जा सकती हैं कि सस्टेन इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। कोहेरेंट सोर्स को यूज करना चाहिए, टू कोहेरेंट सोर्स शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल, यानी कि स्लिट के बीच में दूरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस की सेम है, दो सोर्सेस कोहरेंट होने चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए। ये नहीं आता। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी में करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये है कि अगर किसी भी मीडियम के अंदर, पानी के अंदर मान लो वेव ने डिस्टेंस कवर किया BD, एक्स डिस्टेंस कवर किया कुछ भी 10 सेंटीमीटर, तो वैक्यूम के अंदर उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज्यादा है। तो वैक्यूम में क्या प्रोड्यूस होगा, म्यू इंटू बी डी कर देना, म्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ जाएगा, इसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। बस इतना सही है, ये आ जाता है। वो कहेगा वेव फ्रंट को एंटर करवाओ इस प्रिज्म में और बताओ वेव फ्रंट कैसे मूव करेगा, आपने बेंडिंग शो करनी है, रिफ्रैक्शन शो करनी है। वो कहेगा लेंस में से वेव फ्रंट जाएगा तो कन्वेक्स लेंस में से कैसे बाहर निकलेगा, इस टाइप का स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, याद रखना, क्योंकि रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाती है तो वेव फ्रंट मुड़ जाता है। फिर वो कहेगा कि मिरर के अंदर पास करके दिखाओ, तो प्लेन वेव फ्रंट गया और ऐसा फॉर्म बाहर आएगा, क्योंकि रेज को वहां पे मिलना है फोकस पे। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल या अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी मैंने देखी है आई आती हुई, तो ये तो आपने थ्योरी पक्का ही करके जानी है। डिफ्रैक्शन के ऊपर, फ्रिंज विड्थ के ऊपर या एंगुलर पोजिशन के ऊपर जरूर थ्योरी आएगी, तो डेरिवेशन थ्योरी में कुछ तो आएगा ना, तो ये चीजें आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जो मैं बता रहा हूँ। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर ये मान लो आपके डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्लेन वेव फ्रंट है। इस प्लेन वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक कन्वेक्स लेंस की हेल्प ली गई, कि ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है जो लाइट को हर तरफ फेंक रहा है, कन्वेक्स लेंस इसे क्या कर रहा है, पैरेलल कर रहा है। फिर एक स्लिट है, स्लिट में से ये वेव फ्रंट जाएगा, कुछ लाइट का पार्ट सीधा बेंड हो जाएगा इस लेंस के थ्रू और कुछ यहां पे बेंड होके यहां पे मिल जाएगा, हर पॉइंट पे वैसे तो मिलेंगे, लेकिन जो ओ पॉइंट पे मिलेगा अपर पार्ट ऑफ वेव फ्रंट से और लोअर पार्ट ऑफ वेव फ्रंट से, लाइट्स जो हैं वेव्स इक्वल नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगी। सेंटर पॉइंट पे कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, अभी याद रहे, सेंटर पॉइंट पे हमेशा ब्राइटनेस का पॉइंट ही होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बात अब पी पॉइंट की, इसकी दूरी यहां से एक्स है, ये डिस्टेंस टेढ़ा डी है, वैसे स्क्रीन का डिस्टेंस भी कैपिटल डी है, पर क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, MM के अंदर डिस्टेंस होते हैं, तो टेढ़ा और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है।
तो स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी से रिप्रेजेंटेड है, स्लिट की विड्थ ए से रिप्रेजेंटेड है। तो अगर ये ए है, ये थीटा है, तो पाथ डिफरेंस नीचे का और ऊपर का क्या रहेगा, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस यहां पर ए साइन थीटा होगा। तो यहां पर जाने वाले पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा। फिर आपको ये लिखने को आ सकता है कि राइट कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा और मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे, सिंगल स्लिट। वाईडीएससी डबल स्लिट था, ये सिंगल स्लिट है। तो आपने सीधा लिखना है कि जो सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट को हमेशा प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं, प्राइमरी का पॉइंट सेंट्रल पॉइंट ही है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट स्क्रीन पे आएंगे वो सेकेंडरी ही कहलाते हैं। तो जैसे कोई प्राइम सेंटर के अलावा कोई भी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेंटर के अलावा कोई भी मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा है, प्राइमरी मिनिमा तो वैसे भी होता नहीं। तो वो कह रहे जी सेकेंडरी मिनिमा की बात कर लेते हैं, सेंटर को छोड़ दें, उसके अलावा कोई पी पॉइंट है जहां पर मिनिमा पैदा हो रहा है, वहां का पार्ट डिफरेंस अगर ए साइन थीटा की वैल्यू कंडीशन याद करेंगे सीधा एन लैम्डा। अगर ए साइन थीटा वाई डी एस सी की उल्टी कंडीशन है, तो अगर वाई डी एस सी में एन लैम्डा पे क्या थी, कंस्ट्रक्टिव था, यहां पर डिस्ट्रक्टिव है, मिनिमा का केस है। तो मिनिमा तब होगा जब ये पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा एन लैम्डा पे मिनिमा का केस होगा, ये याद रखनी है कंडीशन। और ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंटर को छोड़ के कोई भी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो ए साइन थीटा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, याद रखना। तो दो कंडीशन याद रखनी है, ए साइन थीटा n लैम्डा जो है वो मिनिमा की कंडीशन है, सेकेंडरी मिनिमा, और सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन में 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये आएंगे पेपर में पक्का 100%, बहुत चांस है इसका डिफ्रैक्शन की थ्योरी में आने का। वो पूछता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालो। ध्यान से, उसने सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं पूछा, क्योंकि मैक्सिमा दो किस्म के होते हैं, सेंटर पे पैदा हुआ हुआ मैक्सिमा तो प्राइमरी है या सेंट्रल है, इसके अलावा जो मैक्सिमा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो इसमें सेंट्रल मैक्सिमा की अगर बात करते हैं, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, सेंटर के ऊपर जो पहला मिनिमा होगा वो निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करो ये आपकी एक स्क्रीन है, ये सेंटर का पॉइंट है, मैं यहां पे फर्स्ट मिनिमा जनरेट कर लेता हूं, फर्स्ट मिनिमा, और निकाल देता हूं इसकी दूरी क्या होगी, मान लो x, और ऐसी फिर मैं क्या करूंगा, नीचे का भी मिनिमा सेम डिस्टेंस पे होगा x, ये जो विड्थ होगी इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा की विड्थ है, ये मैक्सिमा की विड्थ है। ठीक, तो इसके अंदर आपने जब क्या निकालनी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पर आपको दूरी किसकी निकालनी है, फर्स्ट मिनिमा की, ये इंपॉर्टेंट है, विड्थ मैक्सिमा की, पर कंडीशन किसकी लगेगी, मिनिमा की। तो पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा क्या है, ए साइन थीटा वन लैम्डा, साइन थीटा वन लैम्डा बाई टू, उस डायग्राम में साइन थीटा एक्स बाई डी भी है, दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा। इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ये होगी, याद रखनी है ये पक्का। ठीक है, यहां तक आएगा प्रूफ करने को। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी आता है, सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा और भी तो मैक्सिमा होते होंगे जिनको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, उनकी विड्थ निकाल दो। अगर आपने मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो कंडीशन किसकी यूज करनी है, मिनिमा की। तो मिनिमा की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, साइन थीटा एन लैम्डा बाय ए, साइन थीटा एक्स बाय डी भी होता है तो एक्स की वैल्यू आ गई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ये भी बता रहा है कि पांचवा मैक्सिमा कहां पर पैदा होगा, तो पांच एन की जगह पांच पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पांचवा मैक्सिमा आ गया। सातवां मैक्सिमा एन की जगह सेवन पुट करेंगे, सेवन्थ मैक्सिमा। तो दो मैक्सिमा के पॉइंट को माइनस करेंगे तो विड्थ ऑफ मिनिमा आ जाएगी, या दो मिनिमा के पॉइंट को सॉरी माइनस करेंगे तो मैक्सिमा की विड्थ आ जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन किसकी चल रही है, मिनिमा की। तो ये डिस्टेंस किसका है, मिनिमा का। दो मिनिमा को माइनस करेंगे तो किसकी विड्थ आ जाएगी, मैक्सिमा की। उसी तरीके से विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा अगर निकालना है, मिनिमा की विड्थ निकालनी है तो कंडीशन मैक्सिमा की। तो यहां से साइन थीटा एक्स बाय डी, एक्स की वैल्यू आ गई, एन और एन माइनस वन को माइनस करके विड्थ ऑफ क्या आ गई, मिनिमा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर पोजीशंस बहुत आता है, एंगुलर पोजीशंस, एंगुलर विड्थ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो पूछेगा कि एंगुलर पोजीशंस क्या है। देखो, एंगुलर पोजीशंस एंगल है और कुछ भी नहीं है।
तो जैसे पहला मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा एन लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है, साइन थीटा लैम्डा एन लैम्डा बाई ए। ये रहा, एंगल्स अगर छोटे हैं तो साइन थीटा कैन बी टर्न एज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो ये आपके पास एंगुलर पोजीशन है, एंगल आ गया फर्स्ट मिनिमा का। ऐसे सेकेंड मिनिमा में टू पुट कर देना, मैक्सिमा में अगेन एन की जगह वन पुट करेंगे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा में जो एंगल आएगा वो एंगुलर पोजीशन आएंगे किसकी, मैक्सिमा की। ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि विड्थ निकाल लो, जो मैंने पेपर में देख के आया है वो ये पूछ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाल लो, ये निकाल लो एंगुलर पोजीशन निकाल लो सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंटर का ये डिस्टेंस है, जो सेंटर है उसकी विड्थ ये है। जो सेंटर होता है वो कहाँ, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, ऊपर से फर्स्ट मिनिमा और नीचे से भी फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये सेंटर पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये तो ये क्या है आपका, ये पहली फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजिशन है। फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजिशन है क्या, ए साइन थीटा एन लैमडा, लिख लेता हूं, ए साइन थीटा वन लैमडा या साइन थीटा इज लैमडा बाई ए या थीटा इज इक्वल टू लैमडा बाई ए। ये रहा, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम है, लेकिन हमने टोटल एंगुलर पोजीशन निकालनी है, तो टू थीटा आंसर होगा इसका, टू थीटा, तो टू इंटू लैमडा बाई ए इज द आंसर। तो सेंट्रल पॉइंट पोजीशन टू लैमडा बाई ए, याद रखना एंगुलर पोजीशन की विड्थ आती है पेपर में, मतलब इसमें से थ्योरी में से कुछ ना कुछ तो आना ही है। फिर उसके बाद आपको इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आता है, सी में और डिफ्रैक्शन में आता है। तो इस लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस जो है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, लेकिन जो डिफ्रैक्शन है वो सिंगल स्लिट जरूर है, पर स्लिट के एन नंबर ऑफ पार्ट्स हैं और एन नंबर ऑफ पार्ट्स मल्टीपल सोर्स की तरह काम करते हैं, उसमें दो सोर्स नहीं होते, एन नंबर ऑफ सोर्स होते हैं डिफ्रैक्शन में। वाईडीएससी में केवल दो ही सोर्सेज हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर इंटेंसिटी कम 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 होती जाती है। इंटरफेरेंस में वाईडीएससी में सेम रहती है सबकी इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जीरो, और डिफ्रैक्शन के अंदर मिनिमा की इंटेंसिटी प्योरली जीरो नहीं होती, थोड़ी बहुत वहां पर लाइट होती है मिनिमा के अंदर भी। ये मेन मेन डिफरेंसेस हैं और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार अब हैंड रिटन पे चलते हैं इसमें। अच्छा, ये वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट थी, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो इस शीट के न्यूमेरिकल्स आपने करके जाने हैं, जिसमें वो कह रहा है एम्पलीट्यूड ए एन टू ए है और फेज डिफरेंस पाई बाय थ्री है, तो आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो लगा लेना फॉर्मूला, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर ए टू ए कॉस ऑफ पाई बाय थ्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में टू सोर्सेस की इंटेंसिटी आई और फोर आई है, तो एक आई और फोर आई है, फाइंड इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकालनी है जहां पर फेज डिफरेंस जीरो है। तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, इंटेंसिटी है वो आई है और इंटेंसिटी कितनी है, फोर आई है, टर्म आ गई और आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आ जाएगी। पहले केस में फेज डिफरेंस फाइव जीरो है तो यहाँ जीरो पुट कर देना आंसर, दूसरे केस में पाई बाय टू है, अब फाइव की जगह पाई बाय टू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज फ्रॉम द। चलो, कई बुक्स में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे गिवन होता है, मैंने आपको ऐसे कराया था,
ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी, एक ही बात है। तो जो जिनके जो सेंटर है, जैसे वो कह रहे हैं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अब सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट द पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। तो देखो मेन बात तो ये है इसमें कि जब आप सेंटर की बात करते हो तो फाई क्या आता है, जीरो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में फाई को क्या पुट कर देंगे इसमें, जीरो। तो आंसर 4I0 आ जाएगा। तो वैसे भी सबको पता है सेंटर पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्स होती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 ही होता है। और दूसरा केस क्या लेना है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस का मतलब क्या हुआ, दो फ्रिंजेस के बीच में फेज डिफरेंस ना 2π होता है, 2π होता है। और वो क्या कह रहा है, 1/4, तो आपको 2π का क्वार्टर लेना है, 1/4 लेना है, तो एंगल क्या जाएगा, π/2। तो इसकी अब इंटेंसिटी की क्या लेनी है आपको, रेशियो। तो ये याद रखना, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में फेज डिफरेंस को 2π बोलते हैं। तो 1/4 में 2π/4 यानी कि π/2 हो जाएगा। तो मतलब इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आपने क्वेश्चंस करके जाने हैं। फिर उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम तो आती ही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज। YDSC का केस है ये, YDSC के न्यूमेरिकल्स हैं, फ्रिंज विड्थ इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और एंगुलर पोजीशन भी आती है YDSC पे, बता दूं मैं। एंगुलर पोजीशन में क्या होता है, जो भी एक्स की वैल्यू उसको कैपिटल डी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स तो ऐसे होता है ना, YDSC में सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, और कैपिटल डी क्या होता है, स्क्रीन का डिस्टेंस। तो एक्स को डी से डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाता है अपने आप। तो इसके एंगुलर पोजीशन है, जैसे इन YDSC एक्सपेरिमेंट टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है। वॉट इज द फ्रिंज सेपरेशन वेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज। तो लैम्डा आपको पता है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी आंसर आ गया। जैसे लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाई 1.8.1 mm। तो लैम्डा आपको गेवन है, ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन यानी कि बीटा, बीटा भी आपको गेवन है। सेकेंड लाइट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाई दिस। तो आपको इसमें बीटा 2 पता है, आपको सेकेंड में लैम्डा 2 निकालना है। अब देखो ना, लैम्डा 1 पता है, बीटा 1 पता है, बीटा 2 पता है, लैम्डा 2 निकालना है। बीटा का फॉर्मूला आप सबको पता है, लैम्डा डी बाई टी। तो दोनों की बीटाज को डिवाइड करके रेशियो आ गई, डिवाइड करके लैम्डा 2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एन निकालने को आता है, कोइंसाइड करती हैं फ्रिंजेस। चलो ये भी ऐसा भी आ जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी बात नहीं है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 mm, दो स्लिट के बीच में स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, एंड स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन है। टू इंटरफेरेंस पैटर्न्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, वन ड्यू टू लाइट विद वेवलेंथ 480 नैनोमीटर एंड अदर ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। दो दो वेवलेंथ्स हैं। वॉट इज सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू इंटरफेरेंस पैटर्न। फिफ्थ ऑर्डर का डिस्टेंस होता क्या है, एन लैमडा डी बाई डी में। तो एक बार लैमडा यूज कर लिया 480, एक बार 600, दोनों को माइनस करके आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं। और साइड वाला पॉइंट, ये वाला मेरे ख्याल से ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मतलब मिलता जुलता, ये CBSE में ऐसा क्वेश्चन होता है, कोई से आपको बोर्ड के अंदर जो आया हुआ है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड एंड nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट पी ऑन दिस। तो इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंगली एन कीपिंग द सेम सेटिंग, ना स्मॉल डी चेंज करना है ना कैपिटल डी चेंज करना है, सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपने वेवलेंथ को चेंज कर लिया, पॉइंट वही है, डी और डी भी वही है। नाउ एन प्लस nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट पी। तो देखो ना, दो केस हैं, एक में nth ब्राइट है, ये फॉर्मूला है एक्स का, एक में एन प्लस वन एथ ब्राइट है लैम्डा डैश के साथ। वो कह रहे एक्स तो चेंज ही नहीं किया, दोनों को इक्वेट करके एन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड पॉइंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा आपको करके। टाइप की प्रॉब्लम में, और ये करनी है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट शीट है, इसको पक्का ट्राई करना है आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट है,
What is the ratio of slit widths if the amplitude of light waves are in the ratio root 2 is to 1? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी की रेशियो, इंटेंसिटी की रेशियो विड्थ की रेशियो बराबर है. नेक्स्ट है, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 25 टू 16, I1 I2 पता है. फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा. तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है I1 I2 की, तो यहाँ से आप एम्पलीट्यूड की रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि I1 बाय I2 की रेशियो यहाँ पे 25 टू 16 है. ये रहा, तो यहां से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ए बाय बी की रेशियो क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी. लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आई मैक्स टू आई मिनिमम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर. यहां से ए इज इक्वल टू 5/4b उठा के पुट कर देना यहां पे ऊपर नीचे, आई मैक्स और आई मिनिमम की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसे आंसर आएगा. ठीक, उसी तरीके से डिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स हैं. डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स आपने देखने हैं, कंडीशन मिनिमा की, कंडीशन मैक्सिमा की याद रखनी है, एंगुलर पोजीशंस की कंडीशंस याद रखनी है. टोटल एंगुलर स्प्रेड का मतलब होता है विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा. एंगुलर स्प्रेड डेरिवेशन ही आ जाए, एंगुलर स्प्रेड निकाल लो, न्यूमेरिकल आ जाए एंगुलर स्प्रेड, एंगुलर स्प्रेड का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पे 2θ की वैल्यू कितनी है, उसको एंगुलर स्प्रेड बोलते हैं. ठीक, और बस इतना ही है. तो जैसे आपने YDSC के न्यूमेरिकल देखे, बिल्कुल वैसे न्यूमेरिकल इसके भी हैं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल ए गिवन है, लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा गिवन है, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाल लो. सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है 2λ/a, उसने पूछा आधी निकाल लो, आधी का मतलब सिर्फ लैम्डा बाय ए, तो थीटा निकाल देना आंसर. नेक्स्ट है, लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है फॉल्स ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ लैम्डा पता है, और कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एंड एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर विड्थ क्या है, लैम्डा बाय ए 30 डिग्री, तो सेंट्रल मैक्सिमा की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी 60 डिग्री. तो मतलब जो आपने न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़े ना, तो एक पेज के ऊपर सबसे पहले ना फॉर्मूला जरूर लिख लें, एक पेज पे YDSC के, एक पेज पे डिफ्रैक्शन के, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना. आपको बार बार न्यूमेरिकल्स को देखना पड़ेगा उन फॉर्मूलाज को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे YDSC में और डिफ्रैक्शन में. मैं आपको सीधा प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ पेपर क्या आया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि तैयारी करने से पहले किन किन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है. तो इसमें सबसे पहले बहुत लिमिटेड सा आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक सा आया हुआ है. हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट वेदर अ पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्लिट और अ डबल स्लिट. ठीक, ये डिफरेंस लिखो. अब क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन क्या, YDSC एंड डिफ्रैक्शन. सिंगल स्लिट का मतलब डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट का मतलब YDSC इंटरफेरेंस. तो इनमें डिफरेंस लिख देना है. क्या डिफरेंस है कि इंटेंसिटी YDSC में बराबर होती है हर की, इसमें थोड़ी सेंटर की मैक्स होती है, बाकियों की थोड़ी फीकी हो जाती है, लाइट हो जाती है. उसके बाद सेंट्रल पॉइंट की विड्थ इसमें डबल होती है, उसमें डबल नहीं होती. और इसमें सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी जो है मैक्स है, विड्थ भी मैक्स है, बड़ी होती है, इंटेंसिटी भी मैक्स है. तो इंटेंसिटी की वैल्यू इसमें अनइक्वल होती है सिंगल स्लिट में, और YDSC में बराबर होती है. जो मर्जी डिफरेंस लिख दो, तीन डिफरेंस बताए थे आपको, वो डिफरेंस लिखने कहने का मतलब ये है. Drive expression for angular position of bright and dark fringes in single slit. Diffraction के ऊपर थ्योरी आ रही है, देखो आप सिंगल स्लिट. ठीक हो गया. स्लिट जिसकी विड्थ गिवन है और स्मॉल ए, दो वेवलेंथ है लैम्डा वन लैम्डा टू, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैपिटल डी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल फ्रिंज एट विच ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ को इन साइड. तो ये तो आसान है,
डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज में एन की जगह टू पुट करके ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ जाएगी, बात ही खत्म हो गई। इसका क्या करें, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्स एक्स निकाल लें जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। क्या करें, एक में डिस्टेंस एक्स निकाल लें एनथ ब्राइट और लैम्डा को यूज करें कितना 600, ठीक है 600, और एक में एन प्लस वनथ ब्राइट और लैम्डा को क्या यूज करें 480। मतलब एक बार लैम्डा वन के साथ एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक बार लैम्डा टू के साथ निकाल लें, लेकिन एन की जगह कंसेक्टिव लें क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी इसमें चेंज होएगी। तो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा एट, अच्छा कोइंसाइड कर रही है सॉरी, तो एक्स की वैल्यू सेम रखें, जैसे आज क्वेश्चन करवाया था ना कि एक्स सेम रहेगा, पी पॉइंट विल रिमेन सेम, पी पॉइंट सेम रहेगा, लैम्डा उसने चेंज कर दिया। अब लैम्डा चेंज किया तो फ्रिंज विड्थ का नंबर चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कंसेक्टिव लेंगे, एक एन लेंगे, एन प्लस वन लेंगे, दोनों को एक्स को इक्वेट करके एन आएगा, एन से फिर वो एक्स आएगा। तो समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें, जो आज मैंने कोइंसाइड वाला क्वेश्चन करवाया था सेम क्वेश्चन है, ये पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इसमें, ठीक। जैसे नेक्स्ट में इन YDSC एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, यस ट्रू, द फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, बिल्कुल ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू डी, लैम्डा डी बाई डी होता ही है बीटा, तो क्या ये इसका रीजन है? हाँ ये रीजन है, रीजन भी है और दोनों ट्रू भी है, सही है। वॉट हैपन्स टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इनफाइनाइटली क्लोज, तो क्या कह रहे हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज काफी पास हैं तो इंटरफेरेंस कैसे होगी, वो तो फिर ब्राइट ही ब्राइट शो कर देंगे, पास है तो बिल्कुल ना मात्र अगर डिस्टेंस होगा फिर तो लाइट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, पूरी ब्राइट की ब्राइट लाइट स्क्रीन पे आ जाएगी। नेक्स्ट है फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब बहुत दूर हो जाएगी इंटरफेरेंस तब भी नहीं होगी, ऑब्वियसली जब बहुत दूर हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो आपका एक्स, जो आपका जो स्मॉल डी अगर बहुत बड़ा हो गया, फ्रिंज विड्थ क्या होती है लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, तो इमेजिन करें अगर स्मॉल डी बहुत बड़ा हो गया तो बीटा बहुत छोटा, फ्रिंज विड्थ की काफी छोटी हो जाएगी, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा लिख दें, मैथमेटिकली लिखना ऐसे लिख दें, फ्रिंज विड्थ क्या होती है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ऐसे लिख दें, अगर छोटा डी बहुत छोटा हो गया तो बीटा बहुत बड़ा हो जाएगा, वाइटी वाइट फ्रिंजेस हो जाएंगी, और अगर बहुत बड़ा हो गया तो बीटा बहुत छोटा, छोटे छोटे फ्रिंज विड्थ होंगे, ऐसे लिख मैथमेटिकली और बेटर प्रूव करना है इसे, तो ऐसे लिख दें। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल बताया मैंने, स्टेटमेंट आएगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ अ प्लेन वेफर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, डायग्राम ड्रॉ करो रिफ्लेक्शन का और लॉ को भी प्रूव करो रिफ्लेक्शन, आज हमने हाइगन प्रिंसिपल कर लिया। इन YDSC एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल डी एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज कैपिटल डी की वैल्यू 1000 डी, कैपिटल डी गिवन है। If the first minima falls at a distance of small d from the central maxima, तो first minima का distance n lambda d by d में n की जगह 1 put कर दें, वो distance भी आपको small d given है, तो put कर दें, answer आ जाएगा lambda और small d का बात खत्म, तो इसमें x की value आपको small d दे ही रहा है, वो first minima दे रहा है, n की जगह 1 दे रहा है, capital d भी दे रहा है, तो बचेगा क्या end में small d capital d lambda बचेगा, answer निकाल देना। तो next है इसमें according to Huygens principle amplitude of secondary wavelets is equal in both forward and backward direction, a option hai, amplitude barabar rehta hai wavelets ka, yaad rakhna। using Huygens construction show how a plane wave is reflected from the surface, law of reflection prove karo, aasan hai bhi।
In an interference experiment, third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 700 nanometer. What should be the wavelength of the light source in order to obtain fifth bright at the same point? वही सेम प्रॉब्लम, पॉइंट चेंज नहीं करता, एक्स सेम है, लैम्डा वन लैम्डा टू चेंज कर रहा है, तो निकाल लेना आंसर। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बार रिपीट हो रही है कोइंस वाली, कोइंसाइड वाली, कि एक्स पॉइंट चेंज नहीं करेगा, लैम्डा चेंज करेगा, तो निकाल लेना इसमें।